हेलो एवरीवन वेलकम टू डायनामिक स्टडी आज हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन कोर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक साइंस सीरीज़ का यूनिट सेवन पार्ट टू सो पार्ट टू जो है वो पार्ट वन जो है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था पार्ट टू जो है वो आज हम कवर करेंगे ये जो है सिर्फ ओवरव्यू है ब्रीफ में एक्सप्लेन मैंने इसको नहीं किया है ओके okay. सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए मैंने इसको वीडियो को बनाया है ओके सो फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसमिशन लाइन्स सो ट्रांसमिशन लाइन्स जो हैं वो यूज़ uh, होती हैं ट्रांस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर द इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट सो so, uh, जो ट्रांसमिशन transmis लाइन्स जो हैं वो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक पॉइंट से अदर पॉइंट में ओके सो सी अगर हमारे पास एक पॉइंट दो पॉइंट है हमारे पास सपोज करेंगे हम तो इस पॉइंट की एनर्जी को हम इस पॉइंट की एनर्जी से एनर्जी तक ट्रांसफर करेंगे या फिर इस पॉइंट की एनर्जी को इस पॉइंट तक की एनर्जी से ट्रांसफर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट ओके सो जो मीडियम होगा ना वो हमारे ट्रांसमिशन लाइन्स होंगी ओके okay? सो so, जो मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट uh, से मिलकर बना होता है ओके okay? जो कि uh, जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो फिजिकली सेपरेबल नहीं होते हैं ओके okay? सो so, uh, जो हम अगर हम ट्रांसमिशन लाइन्स और वेव गाइड्स की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन्स जो हैं वो मेगा हर्ड्स पर वर्क करेंगी फ्रीक्वेंसीज पे और जो वेव गाइड्स होंगी वो गीगा हड्स या फिर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेंगी ओके सो इसके दो टाइप होते हैं फर्स्ट इज टू वायर और पैरेलल लाइंस जो कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है एंड सेकेंड है हमारे पास कोएक्सियल केबल जो कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं ओके सर टू वायर और पैलर लाइन्स में क्या होते हैं इसमें क्या होते हैं हमारे पास दो कंडक्टर्स होते हैं सी uh, दो कंडक्टर्स हमारे पास इसमें होते हैं जो कि पैलली प्लेस्ड होते हैं कोई भी कंडक्टर जो होता है वो ग्राउंड नहीं होता है ओके okay? एंड इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो डी होता है ओके okay? सिमिलरली अगर हम केबल की बात करें इसमें हमारे पास दो कंडक्टर्स कोएक्सली प्लेस्ड होते हैं एंड एक कंडक्टर जो होगा वो आपका ग्राउंड होगा ओके okay? सो so, <coughs> सो so नेक्स्ट आपके पास अगर हम ट्रांसमिशन लाइंस के पैरामीटर्स की बात करें तो हम हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट आपके पास आएगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट सो प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो होगा इसका गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बिट्टा हो जाएगा एंड जो गामा जो है वो हो जाएगा रूट जेड डोट वाई सो जेड जो होगा वो क्या होगा सीरीज इम्पिडेंस है जिसकी वैल्यू हमारे पास आर प्लस जे ओमेगा एल है ओके एंड वाई जो है वो शंट uh, एडमिटेंस है हमारे पास जिसकी वैल्यू हमारे पास जी प्लस जे ओमेगा सी है सो so, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे जो हमारे पास प्रोपिकेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा रूट आर प्लस जे ओमेगा जी प्लस जे ओमेगा सी एंड जो नीटा जो होगा वो हमारे पास एंट्रेंसिंग वेव इम्पिडेंस होगा ओके okay, सो so, ये फॉर्मूले जो है वो आपके न्यूमेरिकल uh, जो न्यूमेरिकल्स uh, के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम में ओके okay. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जिसको हम जेड सी से डिनोट कर रहे हैं सो जेड सी का जो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा रूट जेड अपॉन वाई सो प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट का अपने पास क्या था रूट जेड मल्टीप्लाई वाई सो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो होगा उसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा रूट जेड अपॉन वाई ओके सो रूट जेड अपॉन वाई हो जाएगा तो हमारे पास जेड की वैल्यू आर प्लस जोमेगा लै एंड जी वाई के वैल्यू हमारे पास जी प्लस जोमेगा सी है ओके सो अब हम कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस एंड जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस के लिए फाइंड आउट करेंगे ओके तो फर्स्ट आपके पास आएगा फोर लोसलेस लाइन्स सो लोसलेस लाइन्स जो होंगी उनमें उसमें हमारे जो अटेनेशन कॉन्सटेंट जो होता है वो जीरो होता है ओके सो अटैनिशन कॉन्स्टेंट जो होगा वो जीरो होगा अटानशन कॉन्स्टेंट जो हम उसको जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा एल्फा इज इक्वल टू जीरो सो हमारे पास सी प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या था एल्फा प्लस जे बीटा सो अब अल्फा जो होगा वो जीरो हो गया हम हमारे पास अटानशन कॉन्स्टेंट तो हमारे प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी गामा इज इक्वल टू जे बीटा ओके सो ये वैल्यू जो होगी वो हमारे प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट की आ जाएगी ओके सो सिमिलरली अगर हम देखें हमारे पास प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला क्या था गामा इज इक्वल टू रूट आर प्लस जे अमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी ओके सो हमारे पास क्या था अल्फा प्लस जे बीटा था रियल पार्ट जो है वो जीरो हो गया तो मतलब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बच जाएगा तो इमेजिनरी इस आर एंड जी को हम जीरो कर देंगे तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बचेगा गामा इज इक्वल टू जे ओमेगा एल इन जे ओमेगा सी तो हम इसको जे ओमेगा एल को J से मल्टीप्लाई करेंगे जे स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा या फिर हम इसको जे ओमेगा का होल फिर आएगा तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं जे अमेगा रूट एल सी सो ये जो प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट की का की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास फोर लोजलेस लाइन्स ओके सो नेक्स्ट हमारे पास एंड हम इस अमेगा रूट रूट एल सी को हम बिट्टा लिख सकते हैं जो कि फेज कॉन्स्टेंट होता है ओके okay? और हमारे पास अगर हम करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस फाइंड आउट करेंगे जेड सी जो कि हमारे पास हो जाएगा रूट एल बाय Okay. बिकॉज uh, अगर हम कैक्टरिस्टिक इंपीडेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का फॉमूला क्या होता है आर प्लस जे ओमेगल अपॉन जी प्लस जेओमेगल यहाँ पे आर एंड जी जो है वो आपके पास जीरो कैंसिल हो जाएगा जीरो हो जाएगा जे ओमेगल अपन जे ओमेगा सी हो जाएगा एंड जे एमेगा से जेओ मेगा कैंसिल हो जाएगा तो रूट एल बाई सी हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा ओके okay? सो so सी uh, हमारा प्रोपेगेशन कॉन्सटेंट हमारे पास जे ओमेगा रूट एल सी हो जाएगा एंड जो करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस है वो रूट एल अपॉन सी हो जाएगा तो बहुत बार आपसे पूछा भी गया है लोसलाइस लाइंस के लिए प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट हमारा एंड क्या होगा ओके एंड फेज वेलोसिटी जो होगी वो वन अपॉन रूट एल सी हो जाएगी दैट इज वन अपॉन बिट्टा हो जाएगी ओके okay? नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस में प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करेंगे डिस्टोशन लेस लाइन के लिए सो डिस्टोशन लेस लाइन में क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है आपकी दैट इज एल जी इज इजिकल टू आर सी ओके okay. सो so, ये कंडीशन मस्ट होती है डिस्ट्रक्शन लेस लाइन के लिए तो so, ये जो आ, अगर हम, हम प्रोपेगेशन कॉन्सटेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्रोपेगेशन जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है उसके उसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या होता है रूट आर प्लस जे ओमेगा रूट इंटू में जी प्लस जे ओमेगा सी ओके okay? सो so, यहाँ से हम आर को कॉमन ले लेंगे सी हमारे पास गामा की वैल्यू क्या थी प्रोपेगेशन कांस्टेंट की रूट आर प्लस जे ओमेगाल जी प्लस जे ओमेगा सी यहाँ से हम क्या करेंगे आर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा और आर वन प्लस जे ओमेगा एल बाय आर सिमिलरली हम यहाँ पे जी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस जे ओमेगा सी बाय जी ओके एंड आर जी को हम आ, को रूट आर जी को हम इस सेपरेटली यहाँ पे लिख लेंगे ओके okay? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रूट आर जी एंड ये हमारे पास बच जाएगा रूट वन प्लस जे ओमेगा एल बाय आर की होल स्क्वायर बिकॉज एल जी इज इक्वल टू आर सी ओके तो एल बाय आर एंड जी बाय सी जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा ओके okay? सिमिलरली इसी तरीके से हम लिखेंगे तो ये जो फॉर्मूला जो है हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट का हो जाएगा ओके okay? तो so यही वैल्यू जो आपको याद रखनी है एंड जो ये जो वैल्यू होगी वो हमारी कॉम्प्लेक्स में होगी ओके okay? सो so, हमारे पास प्रोपगेशन uh, कॉन्सटेंट का फॉर्मूला ये आ जाएगा ओके एंड स्क्वेयर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा अगर हम कैरेक्टरिस्टिक uh, इम्पिडेंस की बात करें तो सिमिलरली अगर हम फाइंड uh, आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी रूट आर अपॉन जी सॉरी रूट आर अपॉन जी जो होगा आपका जेड करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ओके सो नेक्स्ट आपके पास है इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन तो इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा जेड इनपुट इक्वल टू जर्सी दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंस जेड एल कोस बिटा एल प्लस जर्सी साइन बिटा एल अपॉन में जर्सी कोस बिटा एल प्लस जेड एल साइन बिटा एल सो हेयर एल जो होगा वो लेंथ है फॉर डिफरेंट लेंथ हमारी ट्रांसमिशन लाइन वेरी करेंगी एंड बिटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू पाई बाई लैमडा ओके एंड अगर हम शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे लिए तो शॉर्ट सर्किट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी शॉर्ट सर्किट में हमारे पास जो जेड एल होगा वो, so, j, j, जडल जो होगा वो जीरो होगा शॉर्ट सर्किट के लिए एंड ओपन सर्किट के लिए जड़ल जो होगा वो इनफाइनाइट होगा तो so, जडल यहाँ पे हमारे पास क्या लोड इंपिडेंस है ओके okay. तो so, हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए आ जाएगी जड इनपुट इजिकल टू जे सी टेन बिट्टा एल एंड ओपन सर्किट के लिए आ जाएगी जड इनपुट इजिकल टू माइनस जे जेडसी कोट कोट बिट्टा एल ओके सो so, इसका एक सिंप्लीफाइड फार्मूला होगा हमारे पास जेड सी दैट इज़ करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का रूट जेड एस सी जेड शॉर्ट सर्किट लाइन इम्पिडेंस इंटू में जेड ओपन ओ सी दैट इज़ ओपन सर्किट लाइन इम्पिडेंस तो ये फॉर्मूला जो है वो आपके लिए मस्ट है आपको याद रखना है म, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका ये ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के लिए हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वेरी करेगी तो हमारे पास हमारा इनपुट इम्पिटेंस का फॉर्मूला आया था जेड जेड सी इंटू में जेड एल कोस बिटा एल प्लस जे जड नोट साइन बिटा एल अपॉन में जेड जड नोट सॉरी जडसी कोस बिटाइल प्लस जे जेड एल साइन बिटायल ओके सो अगर हम एल की वैल्यू लेमडा बाई एट रखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा एंड बिटा इजिकल टू टू बाई लेमडा है सो यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा अगर, so, अगर हमारी लेंथ लेमडा बाई फोर है तो हमारे पास जेड इनपुट का ये फॉर्मूला आ जाएगा एंड अगर हमारे पास लेंथ हमारे पास लेमडा बाई टू एंड लेमडा है तो हमारा इनपुट इम्पोर्टेंस जो होगा वो जेड एल के इक्वल आ जाएगा तो ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इनको याद कर लीजिएगा ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड वोल्टेज स्टैंडिंग वेव वेवरेशो के लिए सो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव जो जो है वी एस डब्ल्यू आर स्टैंड फॉर वोल्टेज स्टैंडिंग वेवरेशो इट 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 इज अ मेजर दैट न्यूमरिकली डिस्क्राइब्स हाउ वेल द एटीना इज इम्पिडेंस मैच टू द ट्रांसमिशन लाइन इट इज़ कनेक्टेड टू सो वी एस डब्ल्यू डब्ल्यू आर से हमें यह पता लग रहा है कि हमारा जो एंटीना इंपिडेंस है वो कितना मैच कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन से ओके okay? सो so, इसका फॉर्मूला होता है वी एस डब्ल्यू आर इज इकल टू वन प्लस लैम्टा मोड ऑफ लैमडा अपॉन अपन वन माइनस मोड ऑफ लैमडा तो यहाँ पे लेमडा जो है वो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को शो कर रहा है ओके okay? अगर हमारी जो तो ट्रांसमिशन लाइन है वो मैचड है मैच कर रही है तो हमारा वी एस डब्ल्यू आर वन होगा अगर मिस मैच होगा मैच नहीं होगा तो हमारा वी एस डब्ल्यू आर इन्फिनिटी होगा तो मतलब क्या होगा कि हमारा जो वी एस डब्ल्यू आर है वो वन से ग्रेटर होगा और इन्फिनी तक होगा ओके okay? सो so, वन से ग्रेटर होगा ओके okay? नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रिफ्लेक्शन वेव कोफिशियंट सो रिफ्लेक्शन वेव कोफिशेंट जो होगा दैट इज़ हम इसको लेमडा uh, से शो करेंगे तो so, लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जेड एल माइनस जेड सी अपॉन में जडल प्लस सी सो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास रिफ्लेक्शन वेव कोफिशेंट का तो जडल यहाँ पे क्या है हमारे पास लोड इम्पीडेंस एंड सी हमारे पास यहाँ पे क्या है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ओके इसको हम इस तरह से तरीके से भी uh, समझ सकते हैं कि uh, हम इसमें uh, जैसे हम हम इसमें सपोज करेंगे कि हमारे पास टू मीडियम्स हैं ओके एंड इनके वेव इम्पिडेंस जो होगा फर्स्ट मीडियम का वेव इम्पीडेंस हमारे पास म्यू वन है एंड सेकेंड मीडियम का वेव इम्पीडेंस जो हमारे पास म्यू टू है ओके सो हमारे पास रिफ्लेक्शन वेव कॉफिशियंट आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू टू प्लस म्यू म्यू वन ओके सो ये भी आपके पास रिफ्लेक्शन वेव कॉफिशियंट का फॉर्मूला आ जाएगा ओके okay? सो so ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में आसानी हो ओके okay? नेक्स्ट आपके पास है वेव गाइड्स सो वेव गाइड्स जो हैं वो आ, मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं उसमें हम मेगा आ, मेगा हर्ज फ्रीक्वेंसी में यूज में लेते हैं फ्रीक्वेंसीज एंड जो वेव गाइड्स होंगी उसमें हम गीगा हर्ज या फिर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करेंगे ओके सो सी जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो क्या करती हैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम सोर्स टू लोड इन वोल्टेज एंड करंट फॉर्म ओके okay, सो so इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा ट्रांसमिशन लेंस का ये सिर्फ और सिर्फ थ्री टू तो फाइव गीगा हर्ड्स तक के लिए यूज़ होती है ओके okay, तो हम वेव गाइड को यूज़ करेंगे जहाँ पे लॉसेस कम होंगे जितने लॉसेस कम होंगे वहाँ पे हम वेव गाइड को यूज़ कर सकते हैं ओके okay, और ये हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज में भी काम कर सकते हैं और जनरली ये यूज़ होती है वेव गाइड हड वेव गाइड्स हमारी फोर्टी टू सिक्सटी गीगा हर्ड्स के लिए ओके okay, सो so, इसमें हम एक बीम बीम का यूज़ करते हैं इस, इसको सो, इसमें सोर्स तक लोड तक पहुंचाने के लिए किसी भी एनर्जी को तो इसमें क्या होता है कि जो कि क्या करती है हमारी एक स्फेरिकल नेचर बनाती है ओके जो डिस्पर्जिव बीम होगी हमारी एक स्फेरिकल नेचर बनाएगी एंड इसमें हमारा एक प्रिंसिपल यूज़ होता है वेवकाइड में जो कि जैसे हम हाइजेंस प्रिंसिपल बोलते हैं तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एवरी uh, जो एनर्जी शोर्स वेव है वो सेकेंडरी वेव जनरेट करेगी क्या मतलब होगा कि हमारे पास एक वेव है तो वो सेकेंडरी वेव जनरेट करेगी मतलब ये दो वेव जनरेट करेगी फिर ये जो वेव होगी हमारे पास ये भी सेकेंडरी वेव जनरेट करेगी ये भी हमारे पास सेकेंडरी वेव हर वेव जो होगी वो सेकेंडरी वेव जनरेट करेगी ओके एंड नॉर्मली हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो लॉसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं ओके अभी जो वेव गाइड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये जो वेव गाइड्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं फर्स्ट इज़ पैरेलल प्लेट वेव गाइड एंड नेक्स्ट इज रेक्टागुलर वेव गाइड ओके सो so मैं इसको ब्रीफ में आपको नहीं बता रही हूँ उसके सिर्फ फॉर्मुलेज जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ तो so अगर हम पैरेलल प्लेट वेव गाइड की बात करें तो इसमें इसका जो एग्जाम्पल होगा डक्ट प्रोपेगेशन आर्थ एंड एनोस्फेर जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें हम पहले हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वेव गाइड की जिससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर ई एम वेव अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो वो ट्रांसमिट नहीं होगी ओके तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ फिजिकल टू एम सी बाई टू ए यहाँ पर एम जो हो हो जो होगा वो मोड ऑफ़ प्रोपेगेशन होगा एंड सी जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी जिसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ओके okay. नेक्स्ट हम टिल्ट एंगल और वेव एंगल की बात करेंगे तो टिल्ट एंगल और वेव एंगल की बात करेंगे कि सी अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट वेव गाइड है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पैलल है तो अगर यहाँ पे शोर्स पे हम करेंगे तो जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में थीटा इसी को हम टिल्ट एंगल एंड वेव एंगल बोलेंगे जिसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू एफ सी बाई एफ़ एफ सी जो होगा वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और एफ जो है वो हमारे पास जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओके सो नेक्स्ट हमारे पास फेज वेलोसिटी है सो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास अमेगा अपॉन बिट्टा हो जाएगा एंड वी पी इक्वल टू सी अपॉन रूट वन माइनस एफ सी अपफ का होल स्क्वायर हो जाएगा तो so ये हो जाएगा हमारे पास फेज वेलोसिटी तो अगर ये वाला हम देखें ये फॉर्मूला जो है एफ सी अपोन साइन थीटा का है तो so हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एस सी अपॉन रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा जो जिस जो ये जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्टा का होता है तो ये हो जाएगा सी अपॉन में कॉस्थीटा ओके सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रुप वेलोसिटी की तो ग्रुप वेलोसिटी जो होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा सी रूट में ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी जो कि वन माइनस साइन स्क्वेयर सीटा हो जाएगा और सी कोस थीटा जो होगा वो ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी ओके okay? सो so, एक इक्वेशन एक रिलेशन होता है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में जो कि होता है वी पी डॉट वी जी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर ओके सो ये जो रिलेशन uh, है वो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का होता है ओके okay? नेक्स्ट आपके पास है रेक्टांगर वेव गाइड सो रेक्टागुलर वेव गाइड की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा एम अपॉन ए की होलस्केर प्लस एन ओपॉन बी का होल्स्केर का होल रूट इंटू में सी बाई टू ओके नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो इसके जो उसके ट्रिल्ट एंगल वेव एंगल जो होते हैं वो सम सेम होते हैं रेक्टांगर और पैरेलल प्लेट वेव गाइड्स के ओके नेक्स्ट हमारे पास हम मोड ऑफ प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं तो मोड ऑफ प्रोपेगेशन जो होता है वो क्या होगा सिमिलरली एक चीज़ होती है मोड ऑफ प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जब हमारी वेव गाइड है वो फीड कर रही है तो जितने फिजिकल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी फीड करने के लिए उसे हम मोड कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरेलल प्लेट वेव गाइड है तो उसमें क्या करेगा कि हम ये फीड करेगी तो जितनी रिक्वायर होगी ना उसमें फिजिकल कनेक्शन की उसको हम मोड कहेंगे ओके सो सी इसमें हमें दो कनेक्शन की रिक्वायरमेंट तो मोड हमारे पास टू हो जाएंगे यहाँ पर इसमें हमारे पास वन, टू, थ्री, फोर है तो यहाँ पे फोर हो जाएंगे ओके तो हम क्या करेंगे मोड्स को कनेक्ट करने के लिए हम मैक्सिमा जो वेव्स की मैक्सिमा होती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे हम मोड ऑफ प्रोपेगेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास हम हमारे पास तीन टाइप के मोड ऑफ प्रोपेगेशन होते हैं फर्स्ट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड सेकंड इज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड एंड थर्ड इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोड ओके सो अगर हम टी मोड की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हैज़ वन कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जिस जहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में एक कंपोनेंट होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के लिए तो वो मोड ऑफ प्रोपेगेशन ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक मोड के लाएगा ओके okay? इसको हम टी ई एम नो नोड से डिनोट करते हैं जहाँ पे एम जो है वो नंबर ऑफ हाफ वेव बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द वेव गाइड होगा नेक्स्ट है हमारे पास टी एम मोड दैट इज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव ओके एंड जिस को भी हम टी एम एम नोड से करते हैं डिनोट ओके नेक्स्ट हमारे पास टी ई एम मोड की बात कर रहे हैं तो जब इसमें बहुत इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स कंपोनेंट जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के और इसी मोड को हम टी मोड बोलते हैं ओके तो कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स हैं जो जो कि इसमें मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट आपके पास टी मोड होगा तो डोमिनेंट मोड में क्या होगा कि डोमिनेंट मोड कौन सा होगा जिसमें लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी एंड हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ होंगी तो वो डोमिनेंट टी ई मोड होगा तो डोमिनेंट टी ई मोड आपके पास एग्जांपल क्या हो जाएगा टी ई वन जीरो ओके तो जिसमें क्या होगा लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड हाइएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ होगा ओके okay? नेक्स्ट हमारे पास डोमिनेंट टी एम मोड जो होगा उसमें भी हमारे पास लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हाइएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ होगा तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा टीएम वन जीरो नेक्स्ट हमारे पास डिजेनरेट मोड है तो डिजेनरेट मोड में क्या होगा कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होगी वो सेम होगी बट डिफरेंट फील्ड पैटर्नस होंगी ओके तो फॉर एग्जाम्पल डी टी ई फोर थ्री या फिर टी ई थ्री फोर जो कि हमारे जो मोड्स होंगे वो इक्वल होंगे ए इज टू बी होंगे वो डिजेनरेट मोड के एग्जाम्पल होंगे ओके नेक्स्ट हमारे पास है इवाम सेंट मोड सो so, इवाम्सेंट मोड जो होगा वो प्रोपेगेट नहीं करते हैं थ्रू द वेव गाइड वैन ऑपरेटिंग फ्रीक्वें फ्रीक्वेंसी इज बिलो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके सो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि टी एम जीरो वन या फिर टी एम वन जीरो जो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं रेक्टांगुलर वेव गाइड के लिए तो ये जो है वो पैरेलल प्लेट वाई वेव गाइड के लिए इवाम सेंट मोड जो होता है वो रेक्टांगुलर वेव गाइड के लिए एग्जिस्ट करता है ओके एंड एक बात और जो टी ई एम मोड है वो रेक्टांगुलर वेव गाइड के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ वो पैरेलल प्लेट वेव गाइड के लिए एग्जिस्ट करता है ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीनाज की सो so, एंटीनाज में अगर हम फील्ड रीज़न्स की बात करें तो इसमें तीन टाइप के फील्ड रीजन्स होते हैं फर्स्ट इज़ रिएक्टिव नियर फील्ड रीज़न सेकेंड इज रेडिएटिंग नियर फील्ड रीजन जिसको हम फ्रेजनल आ, फ्रेजनल बोल फ्रेजनल नियर फील्ड बोलेंगे थर्ड इज़ फार फील्ड जो कि फ्रॉन हाउ फर्स्ट रीज़न भी हम इसको बोल सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट हमारे पास है एक फील्ड uh, रीजन का डायग्राम मैंने इसमें आपको दिया है जिस जिसमें हम दो सर्किल्स बना रहे हैं और हमारी जो रेडियस है वो फर्स्ट सर्किल के आर वन एंड सेकेंड सर्कल की जो रेडियस है वो आर टू है सो आर वन की वैल्यू हम यहाँ पे आर वन की वैल्यू हमारे पास है, हम यहाँ हो जाएगी जीरो पॉइंट सिक्स टू रूट डी क्यूब बाई लेमडा एंड आर टू की जो वैल्यू होगी वो टू डी स्क्यू बाई लेमडा हो जाएगी सो so, आर जो होगा वो लेस देन हमारे पास आर जो होगा वो लेस देन होगा पॉइंट सिक्स टू रूट डी क्यूब बाई लैमडा से तो हमारे पास जो रीज़न होगा वो हमारे पास फर्स्ट रीज़न हमारे पास था रिएक्टिव नियर फील्ड रीज़न हो जाएगा सेकंड में अगर हमारे पास आर जो है वो इन दोनों भी वैल्यूज़ के बीच में होगा तो फ्रेजनल रीज़न हो जाएगा थर्ड अगर आर हमारे पास ग्रेटर देन टू डिस्ट के बाय लैम्डा है तो हमारे पास फ्रोन ऑफर रीजन हो जाएगा ओके okay, सो so ये जो तीनों हैं वो फील्ड रीजन की वैल्यूज हो जाएंगी नेक्स्ट हमारे पास रेडियन एंड स्टेडियन के बारे में हमने बताया है तो स्टेडियन क्या होगा हमारे पास मेजर ऑफ ए सोलिड एंगल इन स्टेडियन ओके तो एरिया इसका फॉर्मूला हो जाएगा सोलिड एंगल का डी ओम इजिकल टू डी ए अपॉन आर स्क्वेयर इजिकल टू साइन थीटा डी थीटा डी फाइव एंड जो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा डी ए इजिकल टू आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव जो कि हम एरिया को मीटर स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करेंगे ओके okay, सो so, नेक्स्ट हमारे पास रेडियन पावर डेंसिटी है तो रेडिएशन पावर डेंसिटी क्या होगी जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा उसी को हम पावर डेंसिटी बोलेंगे तो पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है ई क्रॉस एच वेक्टर हो जाएगा ओके एंड एवरेज अगर हम पावर डेंसिटी की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ ई क्रॉस एच जिसको हम वेबर पर मीटर में मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे एंड अगर हम टोटल पावर की बात करें एवरेज पावर की तो ये हो जाएगा हाफ फुल क्लोज इंटीग्रल ऑफ डबल इंटीग्रल ऑफ रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज ठीक है सो इसमें क्या होगा रियल पार्ट जो अगर हम इस इक्वेशन का रियल पार्ट होगा वो एवरेज पावर डेंसिटी हो जाएगी और जो इमेजनरी पार्ट होगा वो रिएक्टिव पावर डेंसिटी हो जाएगी ओके नेक्स्ट अगर हम रेडिएशन इंटेंसिटी की बात करें तो हम अगर पावर रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास पावर रेडिएटेड फ्रॉम एन एंटीना पर यूनिट सोलिड एंगल तो इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा यूजिकल टू आर स्क्वेयर रेडिएशन डेंसिटी पावर डेंसिटी ओके सो टोटल पावर हमारे पास क्या हो जाएगी रेडिएशन पावर इज टू टू यू डी ओम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे इंटरवल्स आएंगे जीरो टू टू पाई एंड जीरो नेक्स्ट हम विड्थ की बात करेंगे तो बीम क्या होती है एंगुलर सेपरेशन होता है बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट्स के बीच में जो कि अपोजिट साइड में होंगे ऑफ दैट पैटर्न मैक्सिमा के मैक्सिमम मैगजिम पैटर्न जो होगा उसके अपोजिट साइड में जो दो आइडेंटिकल पॉइंट्स होंगे उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन जो होगा वो बीम विड्थ होगा ये दो टाइप की होती है हाफ पावर बीम विड्थ एंड फुल नल बिम वर्थ ओके तो अगर हमारी बीम विड्थ डिक्रीज करेगी तो हमारी जो साइड लोब होगी वो इंक्रीज करेगी ओके नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टिविटी है सो so, डायरेक्टिविटी क्या होगा इट इज़ ये एक रेशो होता है रेडिएशन इंटेंसिटी का एंड फ्रॉम द एंटीना टू रेडिएशन इंटेंसिटी ओके सो ये रेशियो होता है रेडिएशन इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन फ्रॉम द एंटीना टू रेडिएशन इंटेंसिटी या टोटल पावर ओके okay? सो so, इसका एक फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा फोर बाई यू अपॉन पी रेडिएशन ओके अगर हम मैक्मम डायरेक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास मैगजिम इंटेंसिटी अपॉन टोटल पावर आ जाएगी ओके नेक्स्ट हमारे पास एंटीना एफिशियंसी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल एफिशियंसी का इजिकल टू रिफ्लेक्शन ऑफिशियंसी मल्टीप्लाई कंडक्शन ऑफिशियंसी मल्टीप्लाई डायलेक्ट्रिक एफिशियंसी ओके सो ई सी डी दट इज कंडक्शन डायलेक्ट्रिक इज इक्वल टू आर आर दट इज रजिस्टेंट रेडिएशन रेडिएशन रजिस्टेंस अपॉन में रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस तो ये फॉर्मूला जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओके okay? नेक्स्ट हम गेन की बात करेंगे तो गेन जो है वो रिलेटेड होता है डायरेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी अपॉन डी दैट इज गेन जी इज जी रिप्रेजेंट्स गेन एंड डी रिप्रेजेंट्स डायरेक्टिविटी एंड ये हो जाएगा ई सी डी ओके दैट इज़ कंडक्शन डायरेक्ट्रिक एफिशिएंसी एफिशिएंसी एंड हम गेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर पाई रेडिएशन इंटेंसिटी अपॉन टोटल इनपुट पावर ओके कुछ रेडिटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करें तो पहले है हमारे पास हर्टिजियन डायपोल सो so, हर्टिजियन डायपोल जो है उसकी जो लेंथ होती है हमारे पास स्लेमडा बाई टेन से लेस देन एंड होती है तो उसके लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एट्टी पाइस के डी एल बाय लेमडा की होल स्केयर सो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कि इस डायपोल का अब हमारे पास हमारे पास डायपोल एंटीना का ना नाम दे दिया जाता है एंड रेडिशन रजिस्टेंस का फॉमूला आपसे पूछ लिया जाता है तो so, हार्टिजन डायपोल का जो रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास एट्टी पाई स्केयर डी एल बाई लेमडा की होल स्केयर हो जाएगा सिमिलरली हाफ वेव डायपोल की लेंथ जो होगी वो लेमडा बाई टू होती है एंड जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो सेवेंटी थ्री ओम हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट हमारे पास क्वार्टर वेव मोनोपोल एंटीना है जिसकी लेंथ हमारे पास लमडा बाई फोर हो जाएगी एंड जो रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी उसके लिए थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ओम हो जाएगी नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल लूप एंटीना है जिसके लिए एल जो होगा वो लेमडा uh, से बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल होगा तो रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थर्टी पाई टू द पावर फोर एस स्क्वेयेर अपॉन लेमडा द पावर फोर ओके सो ये जो आपके पास आपको है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंटीनाल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है वो आपको याद रखने हैं एक फॉर्मूला और है जिसके आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं दैट इज आर रेडिएशन टू इजिकल टू आर रेडिएशन वन एन टू स्क्र अपॉन एनवंस के यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे ओके okay? नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोवेव शोर्स एंड डिवाइसेस के बारे में सो so, अगर हम माइक्रोवेव शोर्स एंड डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे तो जो हमारे इस पर हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज जो है वो क्या होगी हमारे पास 300 हंड्रेड मेगा टू थ्री हंड्रेड गीगा पे वर्क करती है हमारी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज ओके तो इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि जो माइक्रोवेव फ्रिकवेंसीज हैं वो हाई बैंडविड्थ पे वर्क करती हैं एंटीना गेन एंड एक्टिविटी की बात करें तो शोर्टर वेवलेंथ पे माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जो है वो स्मॉलर एंटीनाज को अलाउ करते हैं लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि माइक्रोवेव रिसीविंग एंटीना जो होगा वो लाइन ऑफ साइट के विद इन होना चाहिए ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना के ओके okay. एप्लीकेशंस की बात करें माइक्रोवेव की तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग मींस रेडार हो गया जो कि एक्ट कर रहा है रिमोट सेंसिंग का मिलिट्री एप्लीकेशंस में हो गया वेदर रेडार में ओके एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री एंड होम एप्लीकेशंस में देखें तो ये कुकिंग ड्राइंग हेल्थ हीलिंग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं मेडिकल एप्लीकेशन में भी हमें इसका यूज कर सकते हैं ओके एक कैंसर थेरेपी है जिसमें हम इसका यूज करते हैं माइक्रोवेव हाइपरथर्मिया बोलते हैं उस कैंसर थेरेपी को हम ओके तो दिज आर द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव ओके सो so, नेक्स्ट uh, आपके पास है आई ट्रिपली बैंड्स विद फ्रीकवेंसी रेंज तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास आई ट्रिपली बैंड्स हैं जो जिसको मैंने आपको एक फ्रिक्वेंसी रेंज के साथ एक टेबल में शो किया है तो uh, क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम है नेट एन टी ए नेट के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि एक्स बैंड की फ्रीकवेंसी रेंज कितनी है के यू बैंड की फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी है ओके okay, तो ये जो टेबल है वो आप याद लर्न कर लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कई बार क्वेश्चन आया है आ चुका है और इस बार भी आ सकता है ओके okay? तो मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ जो ये जो फ्रीकवेंसी रेंज है वो गीगा हर्ज में है फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ये रेंज हो जाएगी पॉइंट जीरो जीरो थ्री टू पॉइंट जीरो थ्री जीरो एंड वेरी हाई फ्रिकवेंसी के लिए पॉइंट जीरो थ्री जीरो टू पॉइंट थ्री थ्री यू अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हो जाएगी पॉइंट थ्री से वन गीगा हर्ज एल बैंड के लिए वन टू टू हो जाएगी एस बैंड के लिए टू टू फोर गीगा हर्ज हो जाएगी सी बैंड के लिए फोर टू एट होती है एक्स बैंड के लिए एट टू ट्वेल्व होती है के यू बैंड के लिए ट्वेल्व टू एटीन होती है के बैंड के लिए एटीन टू ट्वेंटी सेवन होगी एंड के ए बैंड के लिए ट्वेंटी सेवन टू फोर्टी होगी तो ये जो टेबल है आप लर्न करके जाइएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओके okay? नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन क्लिस क्लिस्टोन में तो रिफ्लेक्शन क्लिस्टोन जो है वो डिवाइसेज uh, हैं हमारे माइक्रोवेव माइक्रोवेव से माइक्रोवेव के तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन कैविटी होती है जिसके थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कर रहे हैं ट्वाइस टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन दो बार पास करेंगे ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए ओके okay. नेक्स्ट क्या होगा कि ये लो पावर लो एफिशंसी माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है रिफ्लेक्स क्लिस्टोन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है एक कैथोड फिलामेंट होता है एंड एनोड कैविटी होती है और एक इलेक्ट्रोड होता है एट कैथोड पे पोटेंशियल सो मैंने इसका सिर्फ ओवरव्यू आपको दिया है दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रिफ्लेक्शन क्लेस्ट्रोन सो ब्रीफ में आप इसको किसी भी बुक या किसी भी नोट्स में जाके uh, देख सकते हैं ओके नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेट्रॉन सो मैग्नेट्रॉन जो होता है वो ये एक हाई पावर माइक्रो माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है जो कि कम्युनिकेशन एंड रिडार सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं ये क्रोस्ट फील्ड ट्यूब होती है जिसको हम एम टाइप ट्यूब भी बोलते हैं इन विच द डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डीसी मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में ओके बेसिकली जो मैग्नेट्रोन एक डायोड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं द इंट्रेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कॉम्प्लेक्स कैविटी टू प्रोवाइड ऑसिलेशन ऑफ वेरी हाई पी पी पावर इसका क्या मतलब होगा बेसिकली जो मैग्नेट्रोन एक डायोड होता है जो जिसमें हम जिसको हम यूज़ करते हैं यूज है, यूज है, एक कॉम्प्लेक्स कॉविटी में मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रैक्शन के लिए ताकि हमें अच्छे ऑसोलेशन प्रोवाइड हो सकें ओके okay? इसके टाइप्स होंगे मैग्नेट्रॉन्स के फर्स्ट है हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस टाइप सो नेगेटिव रेजिस्टेंस जो होता है वो बिटवीन दो एनोड सेगमेंट्स के बीच में यूज होता है लो एफिशिएंसी होती है इनकी एंड जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज में यूज यूज़ होते हैं ओके नेक्स्ट आपके पास है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रॉन्स सो इन इनमें क्या होता है सिंक्रोनिज्म होता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ओके नेक्स्ट आपके हाइयर देन हंड्रेड मेगा हट से हाई फ्रिक्वेंसीज पे यूज़ होते हैं नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ट्रैवलिंग वेव और कैविटी टाइप तो इसमें क्या होगा इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन एंड रोटेटिंग ए फील्ड के बीच में हाई पिक पावर ओसीलेन्स प्रोवाइड होते हैं और रेड एप्लीकेशंस में ये यूजफुल होते हैं ओके okay? नेक्स्ट आपके पास टी डब्ल्यू टी है दैट इज़ ट्रेवलिंग वेव ट्यूब ये इसमें क्या होता है गेन हाई होता है लो नॉइज़ होता है वाइड बैंड विथ माइक्रोवेव एम्पलीफायर होता है ये टी डब्ल्यू टी जो होती है वो डिज़ाइन की जाती है फ्रीक्वेंसी एज जितनी लो फ्रीकवेंसी हम करेंगे थ्री हंड्रेड मेगा हट से और फिफ्टी गीगा हट से हाई फ्रीकवेंसीज पे हम टी डब्ल्यू टी को यूज़ करेंगे ओके okay? और इसको हम आर एफ एम्प्लीफायर तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें टी डब्ल्यू टी के तो इसको हम वाइडबैंड कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं एंड जो कोएक्सिल केबल्स है वो उन को हम रिपीटर एम्पलीफायर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं ओके नेक्स्ट हमारे पास आया उसको हम इसमें जो इसकी जो ट्यूब लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा होती है ड्यू टू विच दे आर यूज एज पावर आउटपुट ट्यूब्स ओके नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा टी डब्ल्यू टी जो है वो हाइयर हाई पावर पल्स रेडार्स में हम यूज़ करते हैं ग्राउंड बेस्ड रेडार में हम इसको यूज़ करते हैं ओके नेक्स्ट आपके पास आता है गन डायोड सो गन डायोड जो होगा वो एक ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिस जो कि सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलके बना होता है दैट इज एन टाइप सो एन टाइप से मिलके ये क्यों बना होता है क्योंकि एन टाइप में मेजोरिटी करियर जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमारे जो मेजोरिटी करियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे इसलिए एन टाइप से करते हैं पी टाइप में हमारे मेजॉरिटी करियर्स होल्स होते हैं इसलिए पी टाइप से बिल्कुल नहीं बना होता है ओके ये इसमें नेगेटिव रजिस्टेंस जो होता है वो यूटिलाइज होता है इसमें और ये क्या करता है कि कंडर करंट को जनरेट करता है एट हाई फ्रीकवेंसीज पे ओके इस ये यूज़ में आता है जन आर एफ फ्रिकवेंसी और माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी को जनरेट करने के लिए ओके दिस इज द सिंबल ऑफ गन डायोड अगर हम एडवांटेज की बात करें गन डायोड की तो ये स्मॉल साइज डिवाइस होता है कॉस्ट जो होती है गन डायोड की वो लो होती है इट प्रस बेटर नॉइज टू सिग्नल रेशियो एज इट इज़ इम्यून फ्रॉम नॉइज डिस्टर्बेंस सो नॉइज डिस्टर्बेंस कम होता है इसमें गन डायोड रिलायबल एंड स्टेबल होता है हाइयर फ्रिक्वेंसी पे एंड हायर बेनिफिट ऑफ ऑपरेशन होती है गन डायोड की ओके okay? नेक्स्ट अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें डायोड की तो कंस्ट्रक्शन जो है उसमें क्या होता है तीन टाइप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर्स होती हैं जो सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं गैलियम आर्सीनाइट हो सकते हैं गैलियम नाइट्राइड हो सकते हैं कैडमियम सल्फाइड हो सकते हैं इंडियम फॉस्फाइड हो सकते हैं या फिर इंडियम आर्सीनाइट भी हो सकते हैं ओके ये जो जो लेयर्स होंगी आपके पास Layer, so जो टॉप मोस्ट एंड द बॉटम मोस्ट लेयर्स होंगी वो हैवली डोप्ड होंगी एंड जो मिडल लेयर होगा वो लाइटली डोप्ड होगा ओके और जो मिडल लेयर होगा उसमें हम एपिटेक् लेयर ग्रो करेंगे ऑन द एन टाइप सबस्ट्रेट एंड जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उससे हम आयन इम्प्लीमेशन टेक्निक से फॉर्म करेंगे ओके okay? नेक्स्ट है आपके पास इम्पैक्ट सो इम्पैक्ट डायोड जो होता है वो प्रोवाइड करता है हाई पावर आर एफ सिग्नल्स एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसिस एंड जो इम्पैक्ट माइक्रोवेव डायोड्स है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस पे रिलाई कर रहा है ओके okay? और जो अगर हमारा जब हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस अक्र करेगा तो ये वोल्टेज uh, को इंक्रीज एंड द करंट को रिड्यूस करेगा सॉरी अगर हमारा जब नेगेटिव रेजिस्टेंस अक्र करेगा तो ये वोल्टेज को रिड्यूस करेगा और करंट को इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा ओके जो नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा वो एनेबल करेगा कि जो हमारा डायोड है वो एक्ट करेगा एज एन ऑसिलेटर और सिग्नल्स को क्रिएट करेगा एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पे ओके okay? नेक्स्ट हम पिन डायोड की बात करें तो पिन डायोड जो होगा ये जो डायोड होता है इन विथ द इंटरेंसिक लेयर ऑफ हाई रेजिस्टिविटी इज सैंडविच्ड बिटवीन द पी एंड एन रीजन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल तो पिन डायोड जो होता है वो पीएन डायोड जो होता है पीएन जंक्शन डायोड है उसके सिमिलर ही होता है इसमें क्या होता है एक पी और एन रीजन के बीच में एक हाई रजिस्टिविटी की इंटरेंसिक लेयर जो है वो सैंडविच कनेक्ट सैंडविच की तरह कनेक्ट होती है इसमें ओके okay? सो द हाई रजिस्टिव लेयर ऑफ द इंट्रेंसिक रीजन प्रोवाइड्स द लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पी एंड एन रीजन जो हाई रजिस्टिविटी की जो लेयर होती है हमारे पास इंट्रेंसिक जो लेयर होती है वो लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द होल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स सो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कई मूवमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है एंड जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एन रीजन टू पी रीजन होगी ओके okay? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगा लार्ज इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर ड्यू टू विच द डायोड जो होगा वो स्मॉल सिग्नल्स के लिए भी प्रोसेस कर सकता है पिन डायोड जो है वो एक टाइप होता है फोटो डिटेक्टर का जिसको हम लाइट uh, एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज में लेते हैं इंट्रेंसिक लेयर जो होती है हमारी पिन बी और एन टाइप रीजन्स के बीच में वो उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उनको इंक्रीज करती है ओके okay. एंड जो विर्थ होगी रीजन की द विथ ऑफ द रीजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देर कैपेसिटेंस जो विर्थ होगी रीजन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके कैपेसिटेंस के अगर हमारा जो तो सेपरेशन है पी और एन रीजन के लिए इंक्रीज करेगा वो और इसलिए हमारा अब सेपरेशन अगर इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस uh, है वो डिक्रीज करेगा ओके सो दैट्स इट मैंने जो यूनिट जो है आपकी इस यूनिट का आपको ओवरव्यू दिया है आपको आइडिया हो गया है कि इस यूनिट में आप क्या है दो पार्ट्स मैंने इसको कवर किया है ओके नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट यूनिट आपके लिए कवर करूँगी ओके थैंक यू कीप ऑन वॉचिंग कीप ऑन लर्निंग